हेलो एवरीवन, फिर एक बार आप सबका स्वागत है हमारे इस चैनल में। मैं सनत कुमार आज एयरपोर्ट और एयरलाइन एडवर्टाइजमेंट इंडस्ट्री के ऊपर बात करने जा रहा हूँ। आज हम लोग देखेंगे कि ऐसे कौन से प्रकार के टाइप्स है, ऐसे कितने प्रकार है जिसका हम लोग इस्तेमाल करके एयरपोर्ट के अंदर एडवर्टाइजमेंट कर सकते हैं या फिर एयरलाइन मतलब एयरप्लेन के अंदर एडवर्टाइजमेंट कर सकते हैं, ऐसे कौन से टाइप्स है या फिर ऐसे कौन से मेथड्स है जिसका हम लोग यूज़ कर सकते हैं एडवर्टाइजमेंट के लिए, और ऐसी कौन सी कंपनीज़ है जो एयरपोर्ट एडवर्टाइजमेंट के लिए ज़्यादा प्रेफरेंस देती है, ऐसे एयरपोर्ट एडवर्टाइजमेंट अफोर्ड भी कर सकती है, हमें वो एडवर्टाइजमेंट करना चाहिए या नहीं चाहिए, और उसी के साथ अगर एयरपोर्ट एडवर्टाइजमेंट करते हैं और एयरलाइन एडवर्टाइजमेंट करते हैं तो हमें कौन से एडवांटेजेस मिलते हैं और उसके साथ कौन सी डिसएडवांटेजेस या फिर उसके कौन से कॉन्स को हमें फेस करना पड़ता है, कौन से प्रॉब्लम्स को आपको फेस करना पड़ता है, इसके ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे। और उसी के साथ हम लोग इसके ऊपर एक छोटा सा कंक्लूजन भी निकालेंगे जिससे हमें एक शॉर्ट आइडिया मिल जाएगा कि एयरलाइन और एयरपोर्ट एडवर्टाइजिंग इंडस्ट्री एक्चुअल में है क्या और वो कैसे वर्क करता है। तो आज हम लोग यही सब देखेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। तो मैं एयरपोर्ट और एयरलाइन एडवर्टाइजमेंट क्या है इसके बारे में एक शॉर्ट इन्फॉर्मेशन आपको देना चाहता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल, एडवर्टाइजमेंट एक इंडस्ट्री है जहाँ पे बहुत सारी कंपनीज आती है अपने प्रोडक्ट्स के और अपना खुद का ब्रांड अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए वो मार्केट में अलग अलग प्रकार के एडवर्टाइजमेंट करती है, एडवर्टाइजमेंट प्रमोशंस फिर होल्डिंग्स लगाती है, और उसी के साथ अलग अलग प्रकार के एडवर्टाइजमेंट्स है जैसे कि हो गया डिजिटल मार्केटिंग जिसमें सोशल मीडिया का ज़्यादा इस्तेमाल होता है, उसी के साथ होल्डिंग्स जहाँ पे रोड साइड में होल्डिंग्स आप देखते हो सकता है, बिलबोर्ड्स हो सकते हैं, और उसी के साथ न्यूज़पेपर में तो ऐड बहुत पुराना हो चुका है। तो ऐसे अलग अलग प्रकार के एडवर्टाइजमेंट्स हम लोग देखते हैं जस्ट बिकॉज टू क्रिएट एन अवेयरनेस, मार्केट में अपने प्रोडक्ट का अवेयरनेस क्रिएट होना चाहिए, इसलिए ये बड़ी बड़ी कंपनियाँ या फिर जितने भी शोरूम ओनर्स है या फिर जितने भी छोटे बड़े बिजनेसमैन हैं वो अपने बिजनेस का प्रमोशन करते हैं, मतलब अपने बिजनेस का एडवर्टाइजमेंट करते हैं जस्ट टू क्रिएट एन अवेयरनेस। तो ये जो अवेयरनेस क्रिएशन होता है तो ये नॉर्मल पब्लिक तक रीच होने के लिए एडवर्टाइजमेंट करते हैं, जहाँ पे वो न्यूज़पेपर्स यूज़ करते हैं, जहाँ पे वो सोशल मीडिया यूज़ करते हैं, अलग अलग मीडिया से यूज़ करते हैं। तो एयरपोर्ट और एयरलाइन भी एक टाइप का मीडिया है, हम लोग इसको एक मीडिया ही कंसिडर करेंगे, जहाँ पे बड़ी बड़ी कंपनियाँ या फिर अगर हम लोग का अगर उतना बजट होता है तो हम भी तो वहाँ पे एयरपोर्ट में एडवर्टाइजमेंट कर सकते हैं, जहाँ पे अलग अलग प्रकार के एडवर्टाइजमेंट सर्विसेज एयरपोर्ट प्रोवाइड करता है। एयरपोर्ट में ऐसे अलग अलग लाइक फैसिलिटीज़ होती है, अलग अलग वहाँ पे लाइक आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है जहाँ पे आप अपना प्रमोशन कर सकते हैं, जहाँ पे आपको रीच बहुत अच्छे से मिलता है, और उसी के साथ थोड़ा बहुत आपको पैसा भी गिनना पड़ता है। तो एयरपोर्ट एडवर्टाइजिंग और एयरलाइन एडवर्टाइजिंग भी एक टाइप की मीडिया ही है, हम लोग भी इसको एक मीडिया ही कंसिडर करेंगे जब हम लोग हमारे एप्लीकेशन को या फिर हमारे पर्टिकुलर किसी बिजनेस को, हमारे किसी फर्म को या फिर हमारे किसी शोरूम को अगर हमें प्रमोट करना है, हमें एक्सप्लेन करना है, हमें अवेयरनेस क्रिएट करना है, तो हम लोग भी एयरपोर्ट या एयरलाइन का इस्तेमाल कर सकते हैं। सपोज़ कि आपका एक चॉकलेट का बिजनेस है, आप चॉकलेट मैन्युफैक्चर करते हो, या फिर कोल्ड ड्रिंक का बिजनेस है, आप कोल्ड ड्रिंक मैन्युफैक्चर करते हो, अगर आपको एयरपोर्ट एयरलाइन में प्रमोशन करना है, मार्केटिंग करना है, तो भी आप वहाँ पे कर सकते हो। इट डजेंट मैटर कि आप कौन से लेवल का या फिर कितने करोड़ का बिजनेस आप कर रहे हो या फिर कितने लैक्स का बिजनेस आप कर रहे हो, आपका जितना टर्नओवर है वो डजेंट मैटर। तो ऑब्वियसली ये जो एडवर्टाइजमेंट है वो कोई भी कर सकता है। तो ऐसे कितने टाइप्स है एडवर्टाइजमेंट के, एयरपोर्ट या फिर एयरलाइन एडवर्टाइजमेंट के? तो मैं आपको बता दूं कि एयरपोर्ट एडवर्टाइजमेंट के अलग टाइप्स है और एयरलाइन एडवर्टाइजमेंट के अलग टाइप्स है। जस्ट बिकॉज एयरपोर्ट एडवर्टाइजमेंट मतलब एयरपोर्ट के अंदर जहाँ पे आपको लाइक टिकट मिलता है, जैसे कि बोर्डिंग पास वहाँ पे मिल रहा है, लगेज सेंटर वहाँ पे है, और उसी के साथ वहाँ पे आपको लाइक एक कैंपस मिल रहा है जहाँ पे आप ज़्यादा से ज़्यादा टाइम आप वहाँ पे वेट कर रहे हो प्लेन के लिए, जब तक आपका प्लेन आपके गेट के ऊपर नहीं है तब तक। लेकिन जब एयरलाइन एडवर्टाइजमेंट हम लोग बात करेंगे एयरलाइन एडवर्टाइजमेंट के ऊपर, तो एयरलाइन एडवर्टाइजमेंट में कंसिडर किया जाता है कि आप लाइक प्लेन के अंदर का एडवर्टाइजमेंट, प्लेन के लाइक जब हम लोग प्लेन बोर्ड करने जाते हैं तब का एडवर्टाइजमेंट। सो हम लोग यहाँ पे क्लियर कट देखेंगे कि ऐसे कौन से टाइप से जो एयरपोर्ट का है, ऐसे कौन से टाइप से जो एयरलाइन के हैं। सो स्टार्टिंग विद एयरपोर्ट एडवर्टाइजमेंट टाइप्स, तो एयरपोर्ट में ऐसे कौन से टाइप के एडवर्टाइजमेंट हम कर सकते हैं? तो एयरपोर्ट में फर्स्ट आता है अराइवल एडवर्टाइजमेंट। जैसे कि एयरपोर्ट है तो वहाँ पे प्लेन आ भी रही है, प्लेन वहाँ से जा भी रही है, तो फर्स्ट अराइवल एडवर्टाइजमेंट कर सकते हैं हम लोग, या फिर सेकंड
डिपार्चर एडवर्टाइजमेंट कह सकते हैं, जहाँ पे अराइवल एंड डिपार्चर में आपको ऐसे बैकलाइट्स मिल रहे हैं, जहाँ पे आप अपने होल्डिंग्स वहाँ पे लगा रहे हो, वहाँ पे ऐसे प्लेस स्पेसेस अवेलेबल है जहाँ पे आप अपने प्रोडक्ट का प्रमोशन कर रहे हो, और उसी के साथ ऐसे लाइक बहुत से फैसिलिटीज अवेलेबल है जहाँ पे आप अपने लाइक एड्स को लाइक ड्रॉप डाउन कर सकते हो, वहाँ पे होल्डिंग्स जैसे यूज़ कर सकते हो, वहाँ पे लाइक स्क्रोलिंग लगा सकते हो, और उसी के साथ कुछ अलग मीडिया यूज़ कर सकते हो, और ये सब यूज़ करके आप अपने ब्रांड का, अपने बिजनेस का अच्छा अवेयरनेस क्रिएट कर सकते हो। जैसे मैंने कहा था कि अराइवल एडवर्टाइजमेंट, सिमिलरली डिपार्चर एडवर्टाइजमेंट भी है, जहाँ पे आप स्टैंडिस लगा सकते हो और उसी के साथ होल्डिंग्स है, और उसी के साथ वहाँ पे बैकलाइट्स अवेलेबल है, साइनेज अवेलेबल है, तो ये सब यूज़ करके आप अपना लाइक वहाँ पे एडवर्टाइजमेंट कर सकते हो। ऐसे बहुत बार होता है कि हम लोग हमारे प्लेन के लिए वहाँ पे वेटिंग कर रहे हैं एयरपोर्ट में, हम लोग वेट कर रहे हैं कि हमारा कब एक बार प्लेन आ जाए और हम लोग बैठ जाए और चले जाए, लेकिन जब हम लोग वो वेट कर रहे हैं तो उस टाइम पे लॉन्च एरिया में भी आप एडवर्टाइजमेंट कर सकते हो। जैसे कि आप एक जगह पे वेट कर रहे हो, वहाँ पे लाइक लॉन्जेस है, वहाँ पे आप वेट कर रहे हो, तो वहाँ पे भी एडवर्टाइजमेंट हो सकता है। एडवर्टाइजमेंट कैसे होता है, वहाँ पे आप टेबल टॉप एक बैनर लगा सकते हो, वहाँ पे टेबल टॉप एक कार्ड रख सकते हो, और उसी के साथ अगर आपका कोई लाइक फूड सर्विस आप प्रोवाइड करते हो तो आप वहाँ पे एक मेन्यू भी रख सकते हो, और उसी के साथ अलग अलग प्रकार के आपके अट्रैक्शंस, आपके जितने भी अवेयरनेस क्रिएट करने वाले, आपके लाइक यूनिकनेस बताने वाले वहाँ पे एडवर्टाइजमेंट कैंपेन्स आप रन कर सकते हो। और उसी के साथ एक रिक्वेस्ट एडवर्टाइजिंग में यहाँ पे ये बोलूँगा, क्योंकि आप अगर एयरपोर्ट के अंदर वाईफाई यूज़ कर रहे हो तो वाईफाई जब आप एक्टिवेट करते हो तो वाईफाई एक्टिवेट करने के बाद भी वहाँ पे एक एडवर्टाइजमेंट रन होती है, वो एडवर्टाइजमेंट भी आप रन कर सकते हो, जिससे जितने भी लोग एयरपोर्ट के अंदर वाईफाई यूज़ कर रहे हैं उनके हाथ में आपका एडवर्टाइजमेंट है, तो उनकी नज़र उस एडवर्टाइजमेंट पे जानी ही जानी है। एयरपोर्ट के अंदर ऐसे बड़े बड़े स्क्रीन्स तो आपने देखे ही होंगे, डिजिटल स्क्रीन्स के ऊपर हर एक का ध्यान तो जाता ही है, बिकॉज इट अट्रैक्ट्स सो मेनी पीपल, एंड वो जितने भी लोग आते हैं वहाँ पे एयरपोर्ट में, उनका एक अट्रैक्शन ग्रैब होता है उस बड़े बड़े स्क्रीन्स में। उस स्क्रीन्स में आप अपना एडवर्टाइजमेंट रन कर सकते हो। ऐसे बड़ी स्क्रीन्स यूज़ करने से आपका जो भी एडवर्टाइजमेंट है वो एक पोस्ट या फिर एक पर्टिकुलर इमेज से रिलेटेड नहीं होती, आप यहाँ पे एक वीडियो भी लगा सकते हो, जिसमें आप अपने प्रोडक्ट के बारे में, अपने बिजनेस के बारे में क्लियर कट वहाँ पे इंफॉर्मेशन दे रहे हो, आप अवेयरनेस क्रिएट कर रहे हो। तो जितना भी आप एडवर्टाइजमेंट थ्रू आप कस्टमर को बताना चाहते हो, आपके बिजनेस का नॉलेज आप कस्टमर को देना चाहते हो, तब उस वीडियो एडवर्टाइजमेंट यूज़ करके आप वो सब पूरा फुलफिल कर सकते हो। वहाँ पे आपको अच्छा और 100% वहाँ पे आपको रिजल्ट मिल सकता है। और उसके बाद आता है फीड्स डिस्प्ले, लाइक फीड्स डिस्प्ले एडवर्टाइजिंग। फीड्स डिस्प्ले मतलब फ्लाइट इंफॉर्मेशन डिस्प्ले स्क्रीन। आपने रेलवे स्टेशन में भी देखा होगा लाइक बड़े बड़े स्क्रीन्स होते हैं जहाँ पे रेलवेज के लाइक नंबर आ रहा है, कौन सी गाड़ी कहाँ से आ रही है, कहाँ पे जा रही है, वो सारी इन्फॉर्मेशन होती है। सिमिलरली एयरपोर्ट में भी ऐसे बड़े बड़े स्क्रीन्स हैं जहाँ पे कौन सी फ्लाइट कब आने वाली है, डिले हुई है या नहीं हुई है, सारी इन्फॉर्मेशन बड़े बड़े स्क्रीन्स पे मिलती है, जिसे फीड्स कहा जाता है, फ्लाइट इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले स्क्रीन। अगर वो वहाँ पे इन्फॉर्मेशन आ रहा है, वहाँ पे फ्लाइट्स की इन्फॉर्मेशन आ रही है, तो फ्लाइट्स की इन्फॉर्मेशन के बाजू में अगर आपका एडवर्टाइजमेंट हो तो क्यों नहीं लोगों की नज़र आपके उस एडवर्टाइजमेंट के ऊपर जाएगी। लोग तो लाइक प्लेन का इन्फॉर्मेशन के लिए प्लेन के जो भी बोर्ड है उस बोर्ड को देखेंगे, उसको रीड करेंगे, उसको रीड करते करते अगर उसके बाजू में आपका एडवर्टाइजमेंट है तो वैसे एडवर्टाइजमेंट भी बहुत हो सकते हैं, और वैसे एडवर्टाइजमेंट भी अच्छा रिजल्ट कमा के दे सकते हैं। और नेक्स्ट आता है टर्मैक कोचेस, और लाइक हम लोग एक ईजी लैंग्वेज में आपको बता दूँ, बोर्डिंग बस। जब आप लाइक आपके गेट पे खड़े हो एयरपोर्ट में, वहाँ पे एक बस खड़ी है आपको एयरप्लेन की तरफ लेके जाने के लिए, तो उस बस के ऊपर भी एडवर्टाइजमेंट होता है। तो चलिए देखते हैं कि एयरलाइन एडवर्टाइजमेंट क्या है, एयरलाइन एडवर्टाइजिंग के ऐसे कौन से टाइप्स है। एयरलाइन एडवर्टाइजिंग मतलब एयरप्लेन के अंदर हम लोग कहाँ कहाँ एडवर्टाइजमेंट कर सकते हैं, और ऐसे कौन से फैसिलिटीज़ वहाँ पे है, और ऐसे कौन से एरियाज़ वहाँ पे है जहाँ पे कंपनियाँ अपनी एडवर्टाइजमेंट करती है। तो फर्स्ट आता है एयर हॉस्टेस थ्रू सैम्पलिंग करना, एयरलाइन सैम्पलिंग जिसे हम लोग कहते हैं। तो एयरलाइन सैम्पलिंग मतलब मैं यहाँ पे आपको एक एग्जांपल देना चाहता हूँ कि अगर आप एक चॉकलेट मैन्युफैक्चरर हो, या फिर कोई छोटा सॉफ्ट ड्रिंक मैन्युफैक्चरर हो, या फिर ऐसा कोई प्रोडक्ट आपने लॉन्च किया है जो फूड आइटम हो, या फिर जो FMCG में कंसिडर किया जाए, तो ऐसे आइटम्स को आप एयरलाइन के अंदर मतलब एयरप्लेन के अंदर आप वहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो फ्री ऑफ कॉस्ट टू द पैसेंजर्स।
तो ये डिस्ट्रीब्यूट कौन करेंगे? आप जाके वहाँ पे नहीं करोगे, वहाँ पे जितने भी एयर हॉस्टेस है या फिर जितने भी लाइक एयरलाइन सर्विस प्रोवाइडर है वो लोग वो डिस्ट्रीब्यूट करेंगे अमंग पैसेंजर्स, वो सारे पैसेंजर्स को वो आपके सैंपल्स डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। हम लोग एयरप्लेन के अंदर घुसते ही हम लोग पहले हमारे सीट्स चेक करते हैं, राइट। तो सीट चेक करने के बाद, सीट नंबर चेक करने के बाद हम लोग वहाँ पे अपने सीट के ऊपर बैठते हैं। तो सीट के ऊपर बैठने के बाद हमारे सीट के सामने रहता है मील ट्रे, मतलब जहाँ पे है वो ट्रे रहता है, उस ट्रे के ऊपर खाना रख के हम लोग वो खाना खाते हैं या फिर जो भी कोल्ड ड्रिंक है, जो भी लाइक स्नैक्स है वो हम लोग खाते हैं ऑन दैट मील ट्रे। तो मील ट्रे के ऊपर भी बहुत से स्टिकर्स अवेलेबल रहते हैं, तो मील ट्रे के ऊपर भी जगह होती है जहाँ पे आप अपना प्रमोशन कर सकते हैं, वहाँ पे भी आप अपना स्टिकर्स लगा सकते हो। आपने बहुत बार देखा होगा कि हर एक सीट के आगे या पीछे आपको लाइक मैगजीन्स दिख रही है, न्यूज़पेपर्स दिख रहे हैं, तो वो न्यूज़पेपर्स में पैम्पलेट रखना है वो भी हो सकता है, न्यूज़पेपर्स के अंदर एडवर्टाइजमेंट देना है वो भी हो सकता है। आपके सीट के ऊपर आप जाने से पहले अगर वहाँ पे आपको एडवर्टाइजमेंट रखना है, पैम्पलेट रख के किसी और को अवेयरनेस क्रिएट करना है, तो वो भी वहाँ पे हो सकता है। एयरलाइन के अंदर ये भी एडवर्टाइजमेंट ही है, और ये एडवर्टाइजमेंट हर कोई कर सकता है, जस्ट उसका बजट उतना अच्छा होना चाहिए। जब कभी भी आप एयरपोर्ट के अंदर जाते हो तो फर्स्ट थिंग आप बोर्डिंग पास लेते हो, बोर्डिंग पास के ऊपर भी एक एडवर्टाइजमेंट रहता है। आपने बहुत बार देखा होगा केनस्टार का एक एडवर्टाइजमेंट रहता है जो इंडिगो के बोर्डिंग पास के नीचे रहता है, तो बोर्डिंग पास के नीचे जो एडवर्टाइजमेंट है वो एडवर्टाइजमेंट भी आप कर सकते हो। उसका जो भी एडवर्टाइजमेंट है वो बोर्डिंग पास रिलेटेड रहता है, जैसे कि 4 to 5 rupees पर बोर्डिंग पास अगर आपको उस बोर्डिंग पास के ऊपर एडवर्टाइजमेंट करना है। बट इसको आप लोग 4 या 5 rupees में कंपेयर नहीं करना है, बिकॉज दिन में लैक्स ऑफ टिकट्स सेल होते हैं, दिन में लैक्स ऑफ पीपल आर ट्रैवलिंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। तो अगर 4 rupees का एक टिकट है तो अगर दिन में अगर 100,000 लोग जा रहे हैं, या फिर कंसिडर करते हैं कि दिन में 10,000 ही लोग जा रहे हैं और वो सर्विस आपका महीने के लिए लॉक हो जाता है, तो दिन में 10,000 तो दिन का हो गया 40,000 × 30, तो इतना कॉस्ट आपको बियर करना पड़ता है अगर बोर्डिंग पास के नीचे आपको वहाँ पे एडवर्टाइजमेंट देनी है। तो चलिए देखते हैं कि ऐसी कौन सी कंपनीज है जो ये सब एडवर्टाइजमेंट करती है। तो फर्स्ट मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अमेज़न, आपको तो पता ही है वर्ल्ड्स रिचेस्ट पर्सन बिलोंग्स टू अमेज़न, तो अमेज़न अफोर्ड भी करता है एंड ऑब्वियसली वो उतना प्रमोशन के ऊपर खर्चा भी करता है, जैसे कि बड़ी ब्रांड हो गई नाइकी। जैसे कि मैंने पहले मेरे एक वीडियो में कहा था कि नाइकी स्पेंड्स अराउंड 30% ऑफ देयर रेवेन्यू ऑन द एडवर्टाइजमेंट, तो नाइकी हो गया, अमेज़न हो गए, फिर और उसी के साथ ऐसे जितने भी बड़े बड़े ब्रांड्स हैं, फिर वो बड़े ब्रांड्स एयरपोर्ट के अंदर एडवर्टाइजमेंट करते हैं। अगर आपको भी अगर एयरपोर्ट के अंदर एडवर्टाइजमेंट करना है, आपका भी एक बड़ा लाइक शोरूम है, आपका भी एक बड़ा लाइक रिटेल चेन आपको चलाना है और उसी के साथ आपको कोई बड़ा एडवर्टाइजमेंट करना है, तो आप हमें रीच कर सकते हैं, हमारे इस कॉन्टैक्ट नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं, हम लोग भी आपको वो सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं, एयरपोर्ट के अंदर एयरलाइन के अंदर आपको वो सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि ऐसी कौन सी एडवांटेजेस है, ऐसे कौन सी डिसएडवांटेजेस है एयरपोर्ट एयरलाइन एडवर्टाइजमेंट की। मैं कंबाइनली कवर करूँगा ये दोनों को, एयरपोर्ट और एयरलाइन को कंबाइन करूँगा और उसके एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस बोलने की कोशिश करूँगा। तो फर्स्ट एडवांटेजेस ये रहेगा कि आपका वाइड रेंज वहाँ पे आपको मिल रहा है, वहाँ पे वाइड रीच मिल रही है आपको, बहुत से लोग एयरपोर्ट जा रहे हैं, बहुत से लोग एयरलाइन से एयरप्लेन से ट्रैवल कर रहे हैं, तो आपको वहाँ पे बहुत ज़्यादा क्राउड मिलेगा, मतलब जितना आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, जितना आप खर्चा कर रहे हो, तो उतना आपको वहाँ पे रिटर्न भी मिलेगा, उतना फ़ायदा आपको होगा, क्योंकि आपका अवेयरनेस उतना बढ़िया हो रहा है, क्योंकि एयरपोर्ट का कोई भी एडवर्टाइजमेंट आप करते हो तो वो खाली नहीं जाता, वहाँ पे लोगों की नज़र उस पर पड़ेगी ही और उसका एक पॉजिटिव इम्पैक्ट कस्टमर के ऊपर होता ही है। और जब वो लाइक किसी प्रोडक्ट को परचेस करने जाता है तो उसके बाइंग लाइक माइंड को, उसके खरीदार माइंड को आपका ब्रांड याद दिलाता ही है। तो नेक्स्ट एडवांटेज मुझे यहाँ पे लगता है ग्रैब्स अट्रैक्शन, जस्ट बिकॉज यहाँ पे एयरपोर्ट है, एयरलाइन है, तो एयरलाइन के अंदर आप जो भी एडवर्टाइजमेंट कर रहे हो तो वहाँ पे एक अट्रैक्शन वो लेता है कस्टमर्स का। तो जितने भी पीपल, जितने भी लोग वहाँ पे एयरपोर्ट में है, तो वो सबको आपका ब्रांड वहाँ पे दिख रहा है, आपका अगर ब्रांड दिख रहा है तो आप रीड भी कर रहे हो, जस्ट बिकॉज यू आर यूजिंग स्क्रीन्स, यू आर यूजिंग बैकलाइट पैनल्स, यू आर यूजिंग स्क्रोलिंग्स, यू आर यूजिंग फीड्स, तो इस सब के वजह से कस्टमर के ऊपर उसके माइंड में आपका ब्रांड बम्बार्डिंग हो रहा है और इस वजह से कस्टमर कन्वर्जन ज़्यादा होता है, जिसका थर्ड एडवांटेज यही आता है कि कस्टमर कन्वर्जन,
कस्टमर सिर्फ ब्रांड देखा है, एडवर्टाइजमेंट देखा, छोड़ दिया, ऐसे नहीं। कस्टमर के माइंड में वो गया है, पीपल के माइंड में वो गया है, लोगों के माइंड में वो गया है, तो उसका पॉजिटिव इम्पैक्ट, पॉजिटिव रिजल्ट भी वहाँ पे आ रहा है। आपका जो ROI है उसके ऊपर ये बहुत ज़्यादा काम करता है। जस्ट बिकॉज आप जितना भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हो फीड्स के ऊपर, जितना भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हो स्क्रीन्स एडवर्टाइजमेंट के ऊपर, एयरलाइन हो या एयरपोर्ट हो या फिर ऐसे कितने भी आप अलग अलग प्रकार के एडवर्टाइजमेंट कर रहे हो, फ्री सैम्पलिंग कर रहे हो, जितना भी आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो उसका उतना पॉजिटिव रिजल्ट भी आपको वहाँ पे मिल रहा है। और नेक्स्ट आता है कि इजी टू अंडरस्टैंड एडवर्टाइजमेंट है। जस्ट बिकॉज यू आर यूजिंग स्क्रीन्स, तो आप वहाँ पे अगर वीडियो दिखा रहे हो तो वहाँ पे ऑब्वियसली कस्टमर इजीली अंडरस्टैंड कर सकता है। अगर आप कोई पोस्टर वहाँ पे यूज़ कर रहे हो बैकलाइट लगा के, तो वो पोस्टर में भी आप अच्छा आपका जो भी इंफॉर्मेशन है वहाँ पे लाइक आप एक्सप्लेन कर रहे हो, तो वो भी अच्छा एक्सप्लेनेटरी बन जाता है और वहाँ पे उसको आइडिया आ जाती है। दूसरी बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैक्सिमम ऑफ द टाइम जहाँ पे एयरपोर्ट में आपको लाइक एजुकेटेड ज़्यादा पीपल मिलेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा लोग, अगर हम लोग अलग लाइक दूसरे वे ऑफ ट्रांसपोर्टेशन से अगर हम लोग कंपेयर करते, तो एयरपोर्ट में आपको ज़्यादा लाइक एजुकेटेड पीपल आपको वहाँ पे मिलेंगे, तो वहाँ पे जो भी चांसेस आपके हैं कन्वर्जन के वो ज़्यादा हाई रहते हैं, और इसलिए आपको वहाँ पे ROI के ऊपर ज़्यादा सोचना नहीं पड़ता। जितना आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो और उतना आपको लाइक रीच भी मिल रहा है, उतना अवेयरनेस भी क्रिएट हो रहा है, और उसी के साथ वहाँ पे कन्वर्जन के चांसेस भी ज़्यादा होती है। अगर बात करते हैं डिसएडवांटेजेस की, तो डिसएडवांटेज में फर्स्ट आता है कि कॉस्टली, तो ये थोड़ा कॉस्टली बन जाता है एयरपोर्ट एयरलाइन एडवर्टाइजमेंट। जस्ट बिकॉज यहाँ पे ऐसे बहुत सी कंपनियाँ हैं जो एयरपोर्ट के अंदर एयरलाइन के अंदर एडवर्टाइजमेंट करना चाहती है, और एयरपोर्ट के अंदर अगर एक ही जगह पे दो कंपनी या तीन कंपनी वहाँ पे एडवर्टाइजमेंट करना चाहती है, तो वहाँ पे उस जगह की वैल्यू बढ़ जाती है। उस जगह की वैल्यू बढ़ने के बाद जो कोई भी कंपनी ज़्यादा पैसा लगाती है या फिर जो कोई भी कंपनी फर्स्ट आके वहाँ पे वो जगह सिलेक्ट करती है, तो उसको वो एडवर्टाइजमेंट मिलता है, और इसलिए वहाँ पे आपको ज़्यादा कॉस्ट देना पड़ता है, वहाँ पे आपको ज़्यादा पैसा देना पड़ता है। तो फिर सो जैसे कि फ्लाइट इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले सिस्टम, जहाँ पे लाइक फ्लाइट्स की इन्फॉर्मेशन है, उसी के बाजू में लाइक आपका एडवर्टाइजमेंट चल रहा है, या फिर लाइक वहाँ पे आप बैकलाइट होर्डिंग्स लगा रहे हो, बैकलाइट लाइक वहाँ पे पैनल्स लगा रहे हो, या फिर स्क्रोलिंग्स लगा रहे हो, या फिर आप अलग अलग प्रकार के वहाँ पे एडवर्टाइजमेंट कर रहे हो, तो उसका कॉस्ट आपको गिनना पड़ता है। वो कॉस्ट थोड़ा महंगा जाता है, लैक्स में जाता है ऑब्वियसली। तो अगर आप वो करने के लिए और अपने ब्रांड को उतना अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए आप ट्राई कर रहे हो, तो एयरपोर्ट और एयरलाइन सर्विस आपको हमेशा फ़ायदा दिला सकती है, और ये लाइक एक ऐसा ही इंडस्ट्री और एक ऐसा टाइप ऑफ एडवर्टाइजमेंट है जो आपको अच्छा फ़ायदा दिलाएगी। थोड़ा पैसा लेगी, थोड़ा ज़्यादा पैसा लेगी, इन्वेस्टमेंट थोड़ा ज़्यादा होगा, लेकिन इसका जो रीच है वो बहुत बढ़िया है, और उसी के साथ इसका जो लाइक ROI है वो भी बहुत ज़्यादा अच्छे तरह से आता है। तो आगे बढ़ते हुए हम लोग इस वीडियो को कंक्लूड करेंगे कि इस वीडियो में हम लोग ने एडवर्टाइजमेंट के बारे में देखा जो एयरलाइन और एयरपोर्ट रिलेटेड है। तो एयरलाइन और एयरपोर्ट रिलेटेड एडवर्टाइजमेंट जो कोई भी है वो ऑब्वियसली अच्छा फ़ायदा हमें दिलाते हैं, उसके साथ अच्छा कॉस्ट भी हमसे लेते हैं। तो अगर हमारी कॉस्ट और उतना लाइक बजट हमारा है, उतना स्पेंडिंग कैपेसिटी हमारी कंपनी के है, देन दिस इज़ द बेस्ट ऑप्शन वी कैन गो फॉर हमारे ब्रांड अवेयरनेस के लिए। अगर हम लोग कोई एप्लीकेशन या फिर हम लोग का कोई बड़ा शोरूम है, कोई बड़ा बिजनेस है, कोई चेन हमें चलाना है, या फिर हमने कोई एक नया प्रोडक्ट लॉन्च किया है, या फिर कोई लाइक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी हमने स्टार्ट की है, तो आप इस एडवर्टाइजमेंट इंडस्ट्री में या फिर इस एडवर्टाइजमेंट टाइप का आप चूज़ कर सकते हो। और उसी के साथ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे ROI भी मतलब रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट भी आपको बहुत अच्छे से मिलता है, और जैसे कि अलग अलग प्रकार के और एट्रैक्टिव एडवर्टाइजमेंट कैंपेन्स वहाँ पे होते हैं, तो उसका जो लाइक कस्टमर का अटेंशन है वो अच्छे से ग्रैब होता है, कस्टमर अच्छे से वहाँ पे अटेंड कर सकता है, कस्टमर को अच्छे से वो एडवर्टाइजमेंट समझ में आती है, और उसी के साथ वहाँ पे मैक्सिमम कन्वर्जन भी हो सकता है। जितना भी प्रोडक्ट या फिर जो भी प्रोडक्ट आप वहाँ पे सेल करना चाहते हो, तो वो अच्छे से वहाँ पे कन्वर्जन हो सकता है, पॉजिटिव परसेंटेज वहाँ पे ज़्यादा है। तो अगर आप सोच रहे हो कि आपके बिजनेस का, आपके शोरूम का, आपके लाइक मैन्युफैक्चरिंग कोई यूनिट्स का या फिर कोई प्रोडक्ट का आपको अवेयरनेस क्रिएट करना है, आपको एयरपोर्ट या एयरलाइन में एडवर्टाइजमेंट करना है, तो आपको सिर्फ इस एडवर्टाइजमेंट एजेंसी के कॉन्टैक्ट नंबर के ऊपर कॉल करना है। इसके एड एंड सर्विसेज हम लोग आपको एयरपोर्ट एंड एयरलाइन एडवर्टाइजमेंट सर्विस भी प्रोवाइड करते हैं।
तो उसमें हम लोग आपको अलग अलग स्पेसेस देंगे, उसमें आपको हम लोग हमारी सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे, उसमें हम लोग आपको एक फ्री काउंसलिंग सेशन प्रोवाइड करेंगे जहाँ पे हम लोग आपके लिए एक मीडिया प्लान क्रिएट करेंगे। मीडिया प्लान आपको समझाने के बाद आपके पूरे कैंपेन के ऊपर हम लोग काम करेंगे और आपके जितने भी एडवर्टाइजमेंट कैंपेन्स है वो हम लोग रन करेंगे एयरपोर्ट और एयरलाइन में। अगर आप इंटरेस्टेड हो कि एयरपोर्ट और एयरलाइन इंडस्ट्री में आपको एडवर्टाइजमेंट करना है, देन यू जस्ट कॉल ऑन दिस नंबर। आपको इस नंबर पे कॉल करना है एंड डन। जैसे कि हम लोग कहते हैं कि आवर बिजनेस इज टू प्रमोट योर बिजनेस, सिमिलरली आपको इस नंबर पे कॉन्टैक्ट करना है। आपका जो भी बिजनेस है, जो भी प्रोडक्ट है, उसको प्रमोशन करने की जिम्मेदारी हमारी। तो ऐसे नहीं है कि हम लोग सिर्फ एडवर्टाइजमेंट एयरपोर्ट या एयरलाइन पे करते हैं, हम लोग सोशल मीडिया पे एडवर्टाइजमेंट करते हैं, गूगल पे एडवर्टाइजमेंट करते हैं, और उसी के साथ ऐसे बहुत सारे मीडियाज़ है, ऐसे बहुत सारे लाइक अलग अलग वराइटीज़ है, अलग अलग टाइप्स है एडवर्टाइजमेंट के, वो सब कुछ हम लोग प्रोवाइड करते हैं। एंड उसके पहले हम लोग एक आपको फ्री काउंसलिंग सेशन भी प्रोवाइड करते हैं। तो अगर आपको लगता है कि आपको एडवर्टाइजमेंट एजेंसी की ज़रूरत है, आपको अपने ब्रांड को, अपने बिजनेस को प्रमोट करने की ज़रूरत है, तो जस्ट कॉल ऑन दिस नंबर। हमारा फ्री काउंसलिंग सेशन आप ले सकते हो और उसके बाद आप सोच सकते हो कि आपको ये कैंपेन्स रन करने हैं या नहीं। हम लोग आपको फ्री काउंसलिंग सेशन प्रोवाइड करेंगे जिसमें हम लोग आपको एक मीडिया प्लान बना के देंगे। जो मीडिया प्लान आप यूज़ करोगे या फिर जो मीडिया प्लान पे अगर आपको हमारे साथ जाने, हम लोग उसके ऊपर काम करके आपको जो भी सर्विस प्रोवाइड करना है वो जिम्मेदारी हमारी होती है। जस्ट बिकॉज वी से एसके एड एंड सर्विसेज आवर बिजनेस इज टू प्रमोट यूर बिजनेस। अगर आपको कोई डाउट्स है तो कॉमेंट सेक्शन इज देयर, आप वहाँ पे अपने डाउट्स पूछ सकते हो। और उसी के साथ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब भी कर सकते हो। हम मिलते हैं हमारे नए वीडियो में। टिल देन, जय हिंद।